हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास है डोमिनोज ब्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना डोमिनोज ब्रिक्स प्लास्टिक है तो वुडन दोनों में जो है काफी ट्रेंडिंग में है। तो ये जेंगा जो है उसका ये एक कजिन ब्रदर आप बोल सकते हैं दोस्तों, बट इसमें जो है खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी जो है अगर आप जेंगा जो खरीदते हैं उससे भी आप डोमिनोज जैसे खेलते हैं उस तरीके से भी खेल सकते हैं, अगर उसमें कलरफुल होगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से जो है ना आप इसको ऑर्गेनाइज करके फिर इसको जो है गिरा सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके का भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। 120 प्लास्टिक के टुकड़े जो है दोस्तों आते हैं डोमिनोज। तो इसके यूट्यूब के ऊपर जो है ना आपको बहुत सारे वीडियोज देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े एरिया में डोमिनोज को इसको इस तरीके से खड़ा किया हुआ है और एक ब्रिक जो है गिरा के पूरा एक क्या बोलते हैं सर्कुलर चेन जो है क्रिएट करते हैं क्रिएटर्स। तो यहाँ पे जो है ये एक्चुअल में अदिति टॉयज करके कंपनी है, गुजरात राजकोट बेस्ड, ISI प्रमाणित है दोस्तों। और इसकी MRP जो है 400 रुपये, 399 रुपये है दोस्तों। ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और चलिए इसको जो है खोल के देख लेते हैं। तो ये 300 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली ये जो है प्लास्टिक के टुकड़े ही है और कुछ है नहीं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है इनोवेशन के एकदम गजब का खिलौना बना दिया है। हाँ इससे बच्चे अगर चाहे तो कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे प्लास्टिक के टुकड़े मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसको जो है आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं। तो कटिंग इसका जो है काफ़ी बढ़िया करा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बच्चे जो है ना इससे एंगेज भी होते हैं कि भाई पहले जो है इस तरीके से इसको जो है ऑर्गेनाइज करना है कलर वाइज, या तो जैसे भी आपको मन हो, ऐसा कुछ है नहीं, फिक्स के ऐसा ही करना है। फिर सीक्वेंस जनरेट करो दोस्तों, है ना, और फिर इसको जो है आप ऐसा करके गिरा दो। तो एक तो छोटा सा सीक्वेंस है, अगर बड़ा होगा बड़े एरिया में होगा तो वो देखने में जो है ना गिरता है उसको देखने में बहुत मजा आता है दोस्तों। तो इसको आप जरूर से ट्राई करिए। इसको आप बच्चों को बर्थडे पे गिफ्ट में दे सकते हैं, क्रिसमस न्यू ईयर जैसे ओकेजन पे गिफ्ट में दे सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट है। बच्चे जो है ना इसमें कुछ है नहीं दिमाग लगाने का, बट फिर भी बच्चे जो है एक दो घंटे के लिए एंगेज हो जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत दिमाग लगाने वाली गेम होती है ना तो उसमें बच्चे जो है बोर हो जाते हैं। बट इसमें फिजिकल एक्टिविटी है और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है, तो बच्चों को ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनाइज ही करना है। और 15-20 मिनट सब ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको ऐसे करके गिरा देना है, फिर से ऑर्गेनाइज करो, फिर से गिरा दो कुछ नया सेट बना के, या तो फिर ऐसे ऐसे करके जो है इसका कोई क्या बोलते हैं कि एक पहाड़ जैसे, पहाड़ नहीं बोल सकते बट एक बिल्डिंग जैसा खड़ा कर दो, है ना। ऐसा भी बच्चे जो है कर सकते हैं। ब्रिक्स, इसको ब्रिक्स कंसिडर कर ले बच्चे, और ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया इसको, एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे जो है जैसे कुछ नया बनेगा उसको भी लगेगा कि हाँ कुछ बन तो रहा है, भले समझ नहीं आ रहा है क्या बन रहा है बट कुछ तो बन रहा है। यहाँ पे ऐसे करके कुछ रख दिया ऐसे करके, तो बच्चे जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, सिंपल सा वीडियो था, मे बी आपको यूजफुल लगा होगा। सो एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय डोमिनोज, थैंक यू।